भारतीय मोर। दुनिया में सभी प्रकार के तीतर पक्षियों की उत्पत्ति हिमालय में हुई और फिर इन पक्षियों ने तिब्बत, चीन, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और कॉकेशस पर्वत श्रृंखला तक अपनी पहुंच बनाई। द अगस्त फीजेंट, द ग्रेट पीकॉक फीजेंट, द मलायन पीकॉक फीजेंट, हॉब्सन्स ईयर फीजेंट, द मोनल, द क्रेस्टलेस मोनल, द चियर, द व्हाइट क्रेस्टेड खालिज, क्रॉफोर्ड सिल्वर फीजेंट। सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में लोगों के बसने से काफी समय पहले भारत में केवल जंगली मोर और सामान्य मोर ने दक्षिण भारत और श्रीलंका तक पहुंच बनाई है। आश्चर्य की बात यह है, इन पक्षियों को अपने ही जन्म स्थान में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। हिमालय के जंगलों की निरंतर कटाई और साथ ही मांस और पंखों के लिए इनके शिकार ने मोनल प्रजाति सहित अनेक प्रजातियों को विलुप्त होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मगर सारंग प्रजाति के मोर अभी तक इस नौबत से बचे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण भारत के ग्रामवासी हैं, जो सारंग के साथ सप्रेम जी लेते हैं। 1963 में इस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, जिसके बाद इसका शिकार बंद हो गया। ऐसे गांव जहां समय निश्चल है, मोर मोरनियों के लिए अनुकूल और बेहद हरी भरी जंगली भूमि प्रदान करते हैं, लेकिन यह पक्षी जंगलों की तरह ही मानव निर्मित विशाल बागों में भी उतने ही खुश रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता माने जाने वाले एओ ह्यूम स्वयं एक पक्षी विज्ञानी थे। अपनी किताब द गेम बर्ड्स ऑफ इंडिया में वे कहते हैं कि साधारण मोर को सामान्य रूप से जल स्रोत और हरियाली पसंद है, जिसके कारण मोर मानवीय आवास से दूर नहीं बरतते। मोर सामान्यतः झुंडों में घूमते हैं, जिसमें एक या दो नर के साथ मादा मोर और चूजे शामिल होते हैं। घने बादल छाने पर जब कोई मोर आवाज देता है तो जंगल के कोने कोने से बाकी मोर जवाब में आवाज देते हैं। पेड़ों की ऊंची टहनियों पर रात को विश्राम करने का निमंत्रण एक ऊंची जगह खड़े होकर दिया जाता है। गर्मियों के आरंभ में इन पक्षियों की समागम प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस समय नर मोर के पंख पूरी तरह से निकल चुके होते हैं, जिसे वो मादा मोर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करता है। जून से लेकर दिसंबर महीने तक नर मोर के पंख पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और यह बेहद सुंदर पंख मादा मोर को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करते हैं। वर्षा ऋतु का आगमन होते ही नर मोर अपने नाच से प्रेमालाप शुरू कर देता है। राग मेघ से जन्मा वृंदावनी सारंग एक बहुत ही खूबसूरत रोमानी राग है। नर मोर हाव भाव के साथ एक अनोखी लय में अपने नृत्य द्वारा हर अंग का प्रदर्शन करता है। अपने पंखों को थपथपाते हुए घुमाते हुए अपना भाव प्रकट करता है। उस समय वहर सी आवाज आती है। कभी कभार इनकी प्यार भरी पुकार भी सुनाई देती है। मादा मोर इन सब कृतियों को जांच परख लेती है।
कभी कभी मादा मोर की गैर मौजूदगी में भी नर मोर लंबे समय तक नाचते हुए देखा जा सकता है। अगर घुसपैठिया जैसे कुत्ता नाच में विघ्न डालकर भंग ना करे तो सामान्य तौर पर नर मोर एक से ज्यादा मादा मोर से संबंध बनाता है। मादा मोर भी अपनी पसंद के अनुसार साथी को एक ही सीजन के लिए चुनती है। एक दूसरे के साथ गले मिलने वाले इस जोड़े ने गिरे हुए पेड़ के तने को ही अपना प्यार जताने के लिए समुचित जगह मान लिया है। जुलाई या अगस्त के महीने में मादा मोर अंडे देती है। मादा मोर घास और झाड़ियों में घोंसला बनाती है और फिर उसे चारों तरफ से पत्तियों, लकड़ियों और घास से ढक देती है। इनके अंडे भूरे सफेद रंग के होते हैं, जबकि कबूतर के अंडे धब्बेदार होते हैं। सामान्य घरेलू मुर्गी के अंडों के मुकाबले इन अंडों का आकार काफी बड़ा होता है। अंडों को 21 से 29 दिनों तक सेती है। मादा मोर सारे अंडे देने के बाद यह प्रक्रिया शुरू करती है और हर दिन अंडों को पलटती रहती है। हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान यह मादा लगातार 29 दिनों तक बारिश और धूप सहकर इन अंडों को सेक रही थी। 29वें दिन इन अंडों से चूजे निकलने लगे। कुछ ही मिनटों में 4 अंडों में से छोटे छोटे चूजे निकले, जिसके 2.5 घंटे बाद 5वां चूजा बाहर आया। अंडों से बाहर निकलते ही मादा मोर इन छोटे चूजों को अपनी कुट कुट की आवाज से उकसाती। इस भारतीय काली चिड़ी का चूजा पहले के कुछ हफ्तों तक पूरी तरह से असहाय और कमजोर होता है और आहार के लिए अपने माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर करता है। जब तक कि 5वें अंडे में से चूजा बाहर निकला, मादा मोर अपने झुंड के 3 सदस्यों के साथ निकल चुकी थी। चौथा चूजा, जिसका नाम हमने चिड़ी रखा था, एक गड्ढे में गिर गया और अपनी माँ के पीछे नहीं जा पाया। हमने चिड़ी को चिड़ू के साथ रखा था, जो अभी भी अंडे से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। चिड़ू जल्दी ही चिड़ी के संगत में सुरक्षित महसूस करता था। एक दूसरे का प्यार और गर्माहट के एहसास से चिड़ू और चिड़ी में अपने आप ही जीने की क्षमता आ गई और हमने देखा कि वह मानवों की मौजूदगी को भी सहज लेने लगे। हैचिंग के बाद नर और मादा मोर एक जैसे ही लगते हैं, मगर कुछ ही दिनों में नर मोर चिड़ू स्पष्ट हल्का भूरे रंग का हो गया था, जबकि चिड़ी सुस्त भूरे रंग की होने लगी। इन चूजों में खाना खाने, एक दूसरे को आवाज देने और आवश्यकता पड़ने पर छिपे खतरे के बारे में एक दूसरे को चेतावनी देने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। चिड़ू ऊपर बैठे हुए एक कौवे के बारे में अपनी बहन को चेतावनी दे रहा है, मगर चिड़ी इस वक्त बाजरे के खूंटे खाने में व्यस्त है। इन्हें धूप में बैठकर अपने पंखों को संवारना अच्छा लगता है। इनके पंख भूरे, चॉकलेट और काले रंग के होते हैं,
जो इन्हें छिपने में मदद करते हैं। चिड़ी और चिड़ू पौधों के खूंटे, कीड़े, चू इत्यादि खाते हैं। कुछ ही दिनों में ये पक्षी छोटी छोटी उड़ान भरने लगे हैं और अब ये कहीं गायब हो गए। चूजे समान मोर के आकार में ढल रहे हैं, यानी इनके सर पर मुकुट लगने लगा, मगर ये अभी भी अपनी माँ के साथ ही खाना चुगना पसंद करते हैं। जब आसपास खतरा होने की संभावना महसूस होती है तो माँ जोर जोर से सायरन की तरह चीख कर इशारा करती है, जिसे सुनकर सब बच्चे माँ के पंखों के नीचे पनाह लेते हैं। यह युवा मोर लगभग एक साल का हो गया है और परिवार के बड़े भाई से कदम मिलाकर नाचना सीख रहा है। जल्द ही यह एक मादा मोर को अपने सुंदर नाच द्वारा आश्चर्यचकित कर देगा। पूरे 3 साल होने के बाद नर मोर के खूबसूरत पंख पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। पंखों का आकार अक्सर एक मानव के पसारे हुए हाथों से भी बड़ा होता है। ब्रीडिंग सीजन में इनकी लंबाई 40 से 54 इंच तक होती है। अन्य पक्षियों की तरह एक छोटी सी लाल रंग की पूंछ इनके नीचे छिपी होती है। पंख 18 से 19 इंच के ही होते हैं। एक नर मोर का औसत वजन लगभग 9 से 10 पाउंड और मादा मोर का वजन 6 से 8.5 पाउंड का होता है। इस भारी वजन की वजह से ये अच्छी तरह से उड़ नहीं पाते और छोटी दूरी की उड़ान ही भर पाते हैं। मोर की आलीशान प्रकृति और सुंदरता के कारण हमारा ध्यान इनके सामान्य मगर बलिष्ठ दिखने वाले पैरों की ओर नहीं जाता, लेकिन जब खतरा महसूस होता है तब मोर उड़ते नहीं बल्कि वहां से भाग जाते हैं। मोर ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। डंठल, पत्ते, फल, बेरीज, घास, बीज इत्यादि इनका आहार होते हैं। वयस्क पक्षी शाकाहारी भोजन पर जीवन बसर कर सकते हैं, मगर प्रजनन के समय में इन्हें जीवों से मिलने वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बारिश के आगमन के साथ ही उड़ने वाली चींटियां यानी फ्लाइंग एंट्स का भी आगमन हो जाता है, जो इस मोर को प्रोटीन देंगी। मनुष्यों पर चढ़ाए गए चावल को खाने के लिए आई हुई चींटियां मोर का आहार बनती हैं। ऐसा है कि ना तो ये पानी मांगते मेरे से, ना कहते नमक ज्यादा है रोटी में, ये आराम से खा के खुशी होके चले जाते हैं। मेरा मन पीस और माइंड हो जाता है। दिल्ली के पार्क में सुबह टहलने वाले लोग अक्सर मोर को चारा डालते हुए देखे जा सकते हैं। मोर फेसियनिने प्रजाति के पक्षी हैं, जिनमें नर पक्षी के पंख बड़े आकर्षक और विशेष प्रकार के बने होते हैं। नर मोर के सिर पर चमकते हुए कॉलर के साथ गर्दन सुंदर सी नीली रंग की होती है। गर्दन का निचला हिस्सा पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंग का होता है। पंखों के सिरे चम्मच के आकार में अर्धचंद्राकार धब्बों से भरे दिखते हैं। प्रजनन के समय नर मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। अब इस मोर पंख पर लगभग 150 विचलित करने वाले रंगीन आंख या ओसली दिखाई देते हैं। वयस्क मोर अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ाइयां किसी भी प्रकार से मुर्गियों की घमासान लड़ाइयों की तरह नहीं होती। सामान्य तौर पर यह कोई मर्यादा या प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए की जाने वाली शाही तलवार युद्ध जैसी होती है।
एलोबिनो या सफेद मोर के कभी कभी जंगलों में पाए जाते हैं। माना जाता है कि सफेद मोर एक ऐसी किस्म है जिसकी उत्पत्ति यूरोप में बंदी स्थिति में हुई है। जंगल में सांप सहित अन्य वन प्राणियों के साथ मोर का रिश्ता देखने लायक है। मैना, कबूतर और तीतर एक साथ खाने में काफी सहजता महसूस करते हैं, जबकि चतुर कौवा अपनी बारी का इंतजार करना पसंद करता है। गिलहरियों को खासकर मोर का साथ अच्छा लगता है। इसी तरह तीतर भी मोर के साथ एक अनोखा रिश्ता रखते हैं। मोर के आने से पहले तीतर उस जमीन पर प्रत्यक्ष होकर वह जगह सुरक्षित है कि नहीं जांचते हैं। कोयल के गीत और तीतर के चहचहाहट पर मोर नाचने लगता है। पार्क में कभी कभी नाग नजर आता है। ऐसे समय पर सारे पक्षी जोर जोर से चिल्लाकर बाकी वन्य प्राणियों को आगाह करते हैं। इधर नेवला भी सचेत हो गया है। नाग को देखने के बाद भी मोर अपना खाना छोड़कर नहीं जाता। दोनों एक दूसरे से सावधानी जरूर बरतते हैं। कई दंत कथाएं हैं जिनके अनुसार मोर को सांप खाना अच्छा लगता है, मगर फिलहाल हमें ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है। मोर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। नेवला नाग के पास जाने की कोशिश कर ही रहा था, इतने में उसको अपने प्रेमी की पुकार सुनाई दी, क्योंकि प्यार की पुकार के आगे सांप क्या चीज है। सदियों से अनेक सभ्यताओं में, कला, धर्म और साधारण संस्कृति में मोर का एक अनोखा स्थान देखा गया है। मिस्र के फैरो मोर का आयात किया करते थे। इस बात का जिक्र बाइबल में भी किया गया है कि राजा सोलोमन के दरबार में फोनिशियस मोर को भेंट के रूप में प्रस्तुत करते थे। यह भी कहा जाता है कि महान सिकंदर यूरोप में मोर लाए थे। भारत के रागमाला चित्रों में सारंग मोर अनुपस्थित प्रेमी का प्रतीक माना जाता है। इन चित्रों में भारतीय संगीत में पारंपरिक रूप से जपाए जाने वाले भाव और मनोदशा का चित्रीकरण देखने को मिलता है। मल्हार थाट के रागों में नायिका को हमेशा मोर के साथ दिखाया जाता है। इन चित्रों में विरह से तप्त प्रेमी का अकेलापन बखूबी नजर आता है। मोर और मोरनी का मिलन पेड़ से लिपटी बेल के नेपथ्य में नायिका को अकेली खड़ी दिखाते हैं। अब नायिका बाईं तरफ सिर घुमाती है, वहां मोरनी शाखा में बैठी हुई होती है और ऊपर की शाखा पर मोर बैठा होता है। पांच और मोर और एक सांप नायिका के साथ नदी किनारे पहुंचते हैं। इस चित्र में दो प्रेमी घर के बाग में एक बेंच पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। एक विरहनी नायिका एक मोर की तरफ देखती हुई नजर आती है। विरह का दर्द किसी जहर से कम नहीं। वृंदावनी सारंग राग के आलाप की लहरों में मोर आनंदित होकर नाच रहा है, यह संकेत देते हुए कि दुनिया एक सुंदर, शानदार और शांतिमय प्रदेश है, जहां सब मिलकर सप्रेम सहजीवन कर सकते हैं।